हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल्स। तो देखो, इस वाले चैप्टर में आपको बेसिकली पढ़ना है एक नया चीज, हीरोन्स का फॉर्मूला। वैसे तो आपने क्लास 7-8 में एक बार पढ़ रखा है हीरोन्स के फॉर्मूला के बारे में, लेकिन यहाँ पर दोबारा से उसे और ज़्यादा डिटेल में दिया गया है। तो अगर आपको हीरोन्स के फॉर्मूला बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर आप कन्फ्यूज़ होते हो इस चीज़ में, तो एक मैंने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत पहले बना दिया है। जब मैं एनसीईआरटी का क्लास 9 का वीडियो बना रहा था ना, तो उसमें भी हीरोन्स फॉर्मूला दिया हुआ था, तो वहाँ पर मैंने इसका एक इंट्रोडक्शन बना दिया है। तो मैंने सोचा दोबारा बार बार बनाने से अच्छा है वही वीडियो रहने देते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भूल जाता हूँ तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको जरूर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और चलिए अब इस वाली वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं, और एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक के जो क्वेश्चंस हैं, इन्हें डिटेल में सॉल्व करना सीखते हैं। अभी शुरू में आपको हीरोन्स फॉर्मूला कुछ नहीं मिलेगा, नॉर्मल हमारे पास क्वेश्चन है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। बाकी हाँ, जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा ना क्वेश्चन नंबर 11 के बाद का, तो उन वीडियोस का लिंक भी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज बेस 24 सेंटीमीटर एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट मेजर 14.5 सेंटीमीटर। यानी कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका हमें बेस बता दिया गया है और हाइट बता दिया गया है। तो कभी भी अगर ट्रायंगल का बेस और हाइट दो चीज़ें अगर दी हुई हैं, तो उसका आप लोगों को एरिया जो हमारा फॉर्मूला रहता है ना, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, उसी फॉर्मूला से निकालना है। जब ये हाइट वगैरह ना दिया रहे, तब फिर अपने को हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अपन कॉपी में सीखते हैं। तो देखो, सबसे पहले इस तरीके से लिख लो कि हमें दिया क्या गया है। तो हमें बता दिया गया है बेस है 24 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो 14.5 सेंटीमीटर है। तो मान लो कुछ इस तरीके से हमारे पास ट्रायंगल होगा जिसका बेस बोलते हैं इसे, ये हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर, और इसका जो करस्पॉन्डिंग हाइट है ये वाला, तो यही हमें दिया हुआ है 14.5 सेंटीमीटर। अगर आप इसको बेस लोगे तो यहाँ से जो सीधी 90 डिग्री की लाइन बनाते हुए इस पॉइंट पे आएगी ना, इसे हम लोग हाइट बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने नीचे वाले को बेस लिया है, तो ये मेरा हाइट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ये हो जाएगा 1/2, बेस है हमारे पास 24 और हाइट हमारे पास 14.5, ठीक है। तो जब आप इसका यहाँ पर देखो, डिनोमिनेटर में 2 है और ये बीच हवा में लटक रहा है, यानी कि न्यूमिनेटर में है, कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जै 2, 2 12 जै हो जाएगा 24। तो फिर यहाँ पर 12 1 जै 12 आ गया, मल्टीप्लाई में 14.5 आ गया। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है। तो जैसे नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, वैसे ही सेंटीमीटर्स का भी मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर हमारा जो होगा ना, वो सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएगा। कभी भी एरिया जो होता है वो हमारे स्क्वायर यूनिट में निकलता है, ठीक है। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आंसर जो है ना, वो 174 और एक जीरो और आ जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक डेसिमल है, तो उस डेसिमल को आप लोग यहाँ पर लगाओगे तो ये जीरो हट जाएगा, यानी जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 174 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आप लोग मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, अब वो तो बच्चों वाली चीज़ है। यहाँ पर मैं फालतू में अगर वीडियो को लेंथी कर दूंगा, तो हमारा वीडियो फालतू में लेंथी हो जाएगा। यानी कि मैं मल्टीप्लाई करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ, आप आराम से इसे मल्टीप्लाई कर लेना, आपका इतना ही आंसर आएगा 1740, और राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना, तो 174 आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। सो इट इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 2, द बेस ऑफ ए ट्रेंगुलर फील्ड इज 3 times इट्स एल्टीट्यूड। यानी कि एक हमारे पास ट्रेंगल के शेप में फील्ड है जिसका जो बेस है ना, वो क्या है 3 times ज़्यादा है उसके एल्टीट्यूड से। एल्टीट्यूड हाइट को ही कहा जाता है। यानी अगर हाइट मान लो 5 सेंटीमीटर होगा, तो बेस 5 3 15 सेंटीमीटर होगा। बेस जो है वो हाइट एकदम 3 गुना ज़्यादा है, 3 times ज़्यादा है। अब हमें यहाँ पर दोनों नहीं दिया हुआ है। आगे बोल रहा है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ सोइंग द फील्ड एट ₹58 पर हेक्टेयर इज ₹783। यानी कि क्या बोला जा रहा है, उस फील्ड में अगर अपन सोइंग करते हैं, सोइंग मतलब समझ रहे हो ना, बुआई कहा जाता है जिसे, जिसे यानी कि बीज वगैरह जो लगाते हैं उसको ही सोइंग कहा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर अपन एक तरह से लोग खेती बाड़ी करना, तो अगर वहाँ पर हम लोग उस फील्ड में खेती बाड़ी करते हैं, तो अगर हम लोग वहाँ पर 58 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से वहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं ना, तो उसका जो टोटल कॉस्ट निकलता है वो इतना निकलता है, ओके। तो बताइए उसका जो बेस होगा और हाइट होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर हेक्टेयर वर्ड दिया हुआ है। हेक्टेयर जो होता है और मीटर वगैरह ये सभी अलग होते हैं। हेक्टेयर जो है एक बहुत बड़ा यूनिट होता है ना, एक बहुत बड़ा एरिया होता है हेक्टेयर में। 1 हेक्टेयर जो होता है वो इक्वल होता है 10,000 मीटर के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो एरिया निकालेंगे इसका, इन दोनों का यूज़ करके एरिया निकाल लेंगे। और एरिया निकालेंगे किस में, पहले तो हेक्टेयर में निकलेगा, लेकिन उसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग मीटर में, ताकि हमारे पास जो फील्ड का जो भी क्या बोलते हैं बेस है और जो एल्टीट्यूड है वो मीटर में निकलना चाहिए। कभी भी ये सब हमारे जो बेस और हाइट होते हैं ये हेक्टेयर में नहीं निकलते, वो एरिया जो होता है ना वो हेक्टेयर में निकालता है। तो यहाँ पर अपन पहले तो इसको हेक्टेयर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और इसका एरिया निकालेंगे। अभी मैं आपको कॉपी में से डिटेल में समझाता हूँ।
तो देखो सबसे पहले तो इस तरीके से लिख लो कि मान लेते हैं जो हमारा जो हाइट होगा उस फील्ड का, या फिर एल्टीट्यूड भी लिख सकते हो, वो हमारा एच मीटर होगा, है ना। हाइट को हम लोग एच से डिनोट करते हैं। तो जो उसका बेस होगा वो क्या होगा, 3 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा एच से। क्वेश्चन में बोला था 3 times greater, है ना, या फिर जो भी लिखा हुआ था वहाँ पर 3 times करके। तो यहाँ पर जो बेस होगा वो 3 multiply h हो जाएगा, जिसको हम लोग 3h लिख देते हैं। ओके, अब कॉस्ट दिया हुआ इतना और टोटल कॉस्ट दिया हुआ इतना, तो यहाँ से एरिया कैसे निकाला जाए वो समझो। मैं आपको एकदम सिंपल एग्जाम्पल समझाता हूँ, बच्चों वाले एग्जाम्पल से, ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए। मान लो ये हमारे पास फील्ड है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग 1 meter के स्क्वायर में अगर अपन यहाँ पर सोइंग करते हैं, तो उसका कॉस्ट लगता है 2 rupees, ठीक है। और इसका जो टोटल एरिया है वो 5 meter का स्क्वायर है, तब उस कंडीशन में कॉस्ट कितना लगेगा, उस कंडीशन में कॉस्ट लगेगा 10 rupees। यानी 1 meter के स्क्वायर का अपने को रेट दिया हुआ है, और 5 meter स्क्वायर जो टोटल इसका एरिया है उसको जब हम लोग निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, तो 1 का पता है, तो 5 2 जा हो जाएगा हमारा 10 rupees, ठीक है ना। समझ में आ गई ये चीज़ कि 1 meter के स्क्वायर के लिए 2 rupees है, तो 5 meter के स्क्वायर के लिए 10 rupees लगेगा, और ये 5 meter स्क्वायर ही क्या है, इस फील्ड का एरिया है। ओके, अब समझो कि यहाँ पर अपने को ये देखो टोटल, मतलब कि जो 1 meter का स्क्वायर है, यानी ये परिवार कह लो आप हेक्टेयर में दिया हुआ है, मैं आपको बस मीटर में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप बचपन से मीटर में पढ़े हुए हो ना, तो हेक्टेयर में कन्फ्यूज हो जाओगे। तो ये देखो ये हमें 1 का वैल्यू दिया हुआ है, और टोटल वाला भी दिया हुआ है, यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अपने को दी हुई है। 1 का वैल्यू दिया हुआ है और टोटल जो कॉस्ट लग रहा है वो भी दिया हुआ है। अपने को क्या करना है, यहाँ से एरिया निकालना है। अगर एरिया निकाल लिए ना, तो फिर हम लोग बेस और हाइट आराम से निकाल सकते हैं फॉर्मूला का यूज़ करके। तो एरिया यानी कि ये वाला वैल्यू निकालना है। तो अब आप ही बताओ कि 2 और 10 का यूज़ करके मैं कैसे इनको करूँ ताकि मेरा ये 5 यहाँ पर से निकल जाए। 2 और 10 का मैं क्या करूँ, तो कोई बच्चा ही बता देगा कि सर ये जो टोटल हमारा कॉस्ट है ना, इसको आप लोग डिवाइड दे दो 1 वाले से, तो आपका निकल जाएगा 5, और यही जो 5 होगा ये इसका एरिया हो जाएगा। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी करना है, अगर हम लोग इसको डिवाइड दे देंगे इससे ना, तो हमें इसका एरिया पता चला जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे टोटल एरिया, या फिर एरिया लिखना सीधे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फील्ड, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल कॉस्ट है 783, उसको डिवाइड दे देंगे हम लोग 58 से, ठीक है। और जब इसको आप लोग डिवाइड दोगे तो ध्यान रखना ये एरिया जो है मेरा वो हेक्टेयर में निकलेगा। तो जब आप इसको कट करोगे ना, तो आपका आंसर जो है वो 13.5 आएगा, 13.5 हेक्टेयर। ओके, तो अभी तो ये हेक्टेयर में आया है। मैंने आपको क्या बताया था अभी कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 meter का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोग क्या करो, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे लिखो 13.5 × 10,000 meter का स्क्वायर। और ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि साइड में आप बता भी देना 1 हेक्टेयर इक्वल टू होता है 10,000 meter का स्क्वायर, इसीलिए हमने यहाँ पर 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 की वजह से डेसिमल बाहर निकल जाएगा, तो ये 135 बन जाएगा। उसके बाद भी 3 0 बचा हुआ है, तो 3 0 उतर जाएगा। यानी कि जो एरिया है उस ट्रेंगुलर फील्ड की वो है 13 लाख, नहीं 1,35,000 meter का स्क्वायर, ये एरिया निकल गया। अब हम लोग यहाँ से इसका बेस और हाइट देखो कैसे निकालते हैं। हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 × बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। एरिया अपने को दिया हुआ है, यानी कि हमने भी निकाल लिया है बहुत मेहनत करके, यहाँ पर कितना था, 1,35,000 meter का स्क्वायर था, ठीक है। इक्वल की इस साइड में हमारे पास 1/2 है। बेस हमने कितना लिया था, बेस हमने 3h लिया था क्योंकि वो हाइट का 3 गुना था, और हाइट की जगह हम लोग बस हाइट रखेंगे। अब आप इसको सॉल्व करो, यहाँ से h की वैल्यू निकालो, h की वैल्यू निकल गई तो हाइट निकल जाएगी, और h की वैल्यू निकल गई तो बेस भी निकल जाएगी। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इनको जितना भी इधर है ना, इस सबको इधर ट्रांसफर करते हैं, तो 2 इधर ट्रांसफर होगा, तो ये 1,350,000 × 000 में 2 हो जाएगा क्योंकि इधर ये डिवाइड में था। साथ ही साथ ये 3 जो है ये इधर ट्रांसफर होगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर आकर के ये डिवाइड में हो जाएगा। इक्वल टू साइड में ये 1 भी देखो नीचे डिवाइड में आएगा, तो 3 1 3 ही रहेगा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इधर हमारे पास एच मल्टीप्लाई एच, यानी कि एच का स्क्वायर बच जाएगा। ओके, अब आप इसको सॉल्व करो जल्दी। तो जब आप इन दोनों को कट करोगे, यहाँ पर देखो मैं वीडियो को लेंथ ही नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं शॉर्टकट में साइड में जल्दी से कट पीट कर ले रहा हूँ। तो जब इनको कट करोगे ना, तो आपका आंसर आएगा 45,000। फिर 45,000 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 45 × 2 = 90,000। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 90,000 इज इक्वल टू हमारा एच का स्क्वायर। अब अपने को तो एच की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को थोड़ा ट्रांसफर करेंगे, तो ये हमारा रूट में आ जाएगा 90,000, ठीक है। और ये इक्वल क्यू साइड में हमारे पास एच बच जाएगा, और अभी भी ये क्या में था, हमारा ये मीटर के स्क्वायर में था, ठीक है। लेकिन अब ये मीटर के स्क्वायर जो है रूट के अंदर आ गया, तो यहाँ से ये मीटर बन के बाहर निकलेगा, क्योंकि मीटर मल्टीप्लाई मीटर जब 2 बार पेयर बनेगा तो 1 meter बाहर निकल जाएगा। उसी तरीके से जब हम इनको बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या है, 9 को हम लोग क्या जानते हैं, 9 हमारा 3 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 और 2 0 लगा दो मल्टीप्लाई में, फिर 3 और 2 0 लगा दो, क्योंकि 2 0 यहाँ पर भी है, 2 0 यहाँ भी है, तो 3 3 से 9 भी हो जाएगा, और ये 2 0 और ये 2 0 मिलकर के टोटल 4 0 बन जाएंगे, ठीक है। इक्वल क्यू साइड में हमारे पास एच रहेगा, तो यहाँ से हमारे पास 300 बच गया, यानी कि 300 हमारा बाहर निकल जाएगा, 300 का पेयर बन गया है, तो साथ ही साथ मीटर का स्क्वायर था तो 1 meter बाहर निकल जाएगा, इक्वल क्यू साइड में एच हो गया। तो
तो अब आप इसको डायरेक्ट लिखोगे कि हमारी जो हाइट होगी एच ई आई जी एस टी हाइट वो हो जाएगी 300 मीटर, और हमारा जो बेस होगा वो हाइट का 3 गुना था, यानी कि 3 × 300 इज इक्वल टू 900 मीटर। ये हमारी हाइट हो गई, ये हमारी बेस हो गई। तो इस तरीके से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखा कितना सिंपल है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे भी हम लोग इसी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ के सॉल्व कर देते हैं। सो नाउ थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड आर 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हीरोन्स के फॉर्मूला का खेल शुरू होता है। यहाँ पर अपने को जो है ना साइड दिया हुआ है, हाइट नहीं दिया हुआ है। तीनों साइड बता दिए गए ट्रायंगल के और बोल रहा है कि उसका एरिया निकालिए। साथ ही साथ बताइए कि हाइट जो होगा करस्पॉन्डिंग ऑफ द लॉन्ग टू द लॉन्गेस्ट साइड, यानी जो लॉन्गेस्ट हमारा साइड है 42 सेंटीमीटर, इससे अगर अपन सीधा एक लाइन बनाते हैं तो वो जो हाइट निकलेगा हमारा वो कितना निकलेगा। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले अपने को इसका एरिया निकालना पड़ेगा। अगर एरिया निकाल लेंगे तो हाइट आसानी से निकल जाएगा। ये कैसे निकालते हैं एरिया, हीरोन्स का फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं, मैं आपको जल्दी से कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो जो हमारा हीरोन्स का फॉर्मूला है ना वो ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए यूज़ किया जाता है, और वो फॉर्मूला ये है। देखने में तो बहुत मुश्किल दिख रहा है लेकिन बहुत ही आसान फॉर्मूला है। इसके अकॉर्डिंग होता है एस, फिर मल्टी, देखो बीच में कोई भी साइन नहीं है यानी कि मल्टीप्लाई की साइन है, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है एस माइनस ए से, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है एस माइनस बी से, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है एस माइनस सी से। अभी दिख मुश्किल रहे, अभी मैं सॉल्व करूंगा तो आपको बहुत मजा आएगा। और ये जो हमारा एरिया निकलता है वो स्क्वायर यूनिट में निकलता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया एरिया कभी भी हमारे स्क्वायर यूनिट में ही निकलता है, ठीक है। अब ये एस क्या है, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर क्या होता है, तो इस वाले अगर ट्रायंगल में मैं देखूं तो यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ, फिर ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, पूरा अगर लेंथ में जोड़ दूं तो इसको ही पेरीमीटर कहते हैं, साइड की पूरी टोटल लेंथ को। तो यहाँ पर टोटल लेंथ का जब हम लोग आधा करेंगे यानी 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा सेमी पेरीमीटर निकलेगा। देखो इस तरीके से एस निकालने के लिए आप क्या करो, 34, 42 और 20 को ऐड कर दो, 34 + 42 + 20, और यहाँ पर हम लोग को इसको डिवाइड भी देना है 2 से, क्योंकि हमारा क्या करना है, इसको सेमी पेरीमीटर निकालना है ना, सबको ऐड करेंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा, और अगर 2 से डिवाइड दे देंगे तो वो आधा हो जाएगा, जिसको हम लोग सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। तो ये मेरा 96/2 हो जाएगा, और 96 जब 2 से देंगे हम लोग डिवाइड ना, तो 48 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर निकल के आएगा, क्योंकि ये सभी जो हमें दिए हुए ना साइड्स ये हमारे 4 सेंटीमीटर में है। दूसरी चीज़, हमारे पास जो हाइएस्ट जो हमारा लॉन्गेस्ट जो साइड है वो है 42, तो मैंने नीचे में यहाँ पर 42 बना दिया है। अपने को इसका ही जो हाइट है ना ये निकालना है, यानी 42 से होते हुए जो सीधा हाइट जाएगा वो अपने को बताना है। तो बाद का प्रक्रिया है, पहले अपने को क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। ओके, तो एस निकल गया। अब आप लोग चाहो तो फॉर्मूला लिख करके उसके अंदर भी एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर पहले भी निकाल सकते हो। मेरी आदत है कि मैं पहले निकाल लेता हूँ, बार बार मुझे रूट बनाने में मजा नहीं आता है ना। तो यहाँ पर देखो एस माइनस ए लिखो, ए का मतलब है कोई भी एक साइड, जैसे इसको हम लोग ए ले लेते हैं, फिर इसी को ए ले लेते हैं, सबसे बड़ा वाले को ए ले लेते हैं, इसका नाम बी दे दो, इसका नाम सी दे दो। ए बी और सी जो है ना वो ट्रायंगल के साइड को बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास एस की वैल्यू कितनी निकल गई, 48 निकल गई, उसमें से ए यानी कि 42 माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये सेंटीमीटर में निकलेगा। उसी तरीके से एस माइनस बी निकाल लो, 48 में से हम लोग माइनस कर देते हैं 34, बी इसको लिया है ना, तो 34 माइनस करने कितना आएगा, 14 आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं 14 सेंटीमीटर। फिर एस माइनस सी यहाँ पर ले लेते हैं, 48 माइनस में 20, ठीक है, तो यहाँ से हमारा 48 में से 20 माइनस हुआ तो 28 सेंटीमीटर, यानी कि तीन हमें यहाँ पर साइड यानी एस माइनस सी, एस माइनस बी और एस माइनस सी की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया शॉर्टकट में, एकदम एरिया निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, रूट बना लो इस तरीके से। फॉर्मूला मैंने पहले लिख दिया है, आप अगर पहले नहीं लिखे रहोगे तो बाद में जरूर लिखना, यहाँ पर एक बार फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। एस की जगह पर एस की वैल्यू 48 डाल दो, फिर मल्टीप्लाई की साइन लगाओ, एस माइनस ए के जगह पर 6 डाल दो, फिर एस माइनस बी के जगह पर 14 और एस माइनस सी के जगह पर 28। बस यही तो है, देखो ये कितना मुश्किल दिख रहा था और यहाँ पर कितना आसान हो गया, और ये हमारा सब सेंटीमीटर में है तो आंसर जो है सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर 48 पहले से है, 6 है, तो मैं क्या करता हूँ 48 को 8 × 6 में कन्वर्ट कर देता हूँ, और 8 को भी मैं छोटे छोटे नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ताकि ये रूट से बाहर निकल सके। जैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 × 8 लिखूंगा तो 48 आ जाएगा, तो मैं इसके जगह पे 6 के जगह पे 6 ही रहने देता हूँ, 8 के बदले में 2 × 2 × 2 कर देता हूँ। ये सब काम आप माइंड में करना सीखो ताकि टाइम बचे आपका, ठीक है। ये मैंने 6 को 6 ही क्यों रखा है, ताकि मेरा ये वाला 6 और ये 6 मिलकर के बाहर निकल जाए। 14 को तो अपने को 2 × 7 ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसी तरीके से 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 × 4 = 28 होता है, और 4 को भी मैं 2 × 2 में कन्वर्ट कर देता हूँ, और फिर एक बार 7, तो 2 × 2 = 4, 4 × 7 = 28 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमारा बाहर क्या क्या निकल रहा है, तो पहले तो हमारा ये 6 बाहर निकल जा रहा है, 6 को बाहर निकालो, उसके बाद ये दोनों 7 बाहर निकल रहे हैं, 7 को बाहर निकालो, ये 2 का पेयर बाहर निकल गया, एक बार निकल गया, फिर ये दोनों 2 का पेयर बाहर निकल रहा है, इसको भी बाहर निकाल दो, फिर ये 2 का पेयर निकल रहा है, इसको भी बाहर निकाल दो, इस पूरे के पूरे नंबर हमारे पेयर बना करके बाहर निकल गए। अब इन सभी के जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है वो 336 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई वगैरह करके चेक कर सकते हो, यानी कि एरिया जो है हमारा वहाँ पर ट्रायंगल का निकल गया।
तो पहला जो काम है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा काम था कि जो लॉन्गेस्ट साइड है उससे जो हमारी हाइट बनेगी वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग लिखो लॉन्गेस्ट साइड, कि जो हमारा लॉन्गेस्ट वाला साइड है वो कितना है। तो लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने को यहाँ से हाइट निकालना है, तो यहाँ पर फिर से आप वही लिखो एरिया ऑफ ट्रैंगल। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रैंगल का जो दूसरा वाला फॉर्मूला है, हाइट वाला फॉर्मूला, वो लगा दो आप यहाँ पर। तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, यही फॉर्मूला है। अब एरिया अपने को पता ही है, एरिया हमारे पास है 336 सेंटीमीटर, इक्वल टू साइड में हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में बेस की जगह पर हमारे पास ये पता है उसका साइड, इसी को बेस बोला जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 42 और मल्टीप्लाई में हाइट। बस यहाँ से इसको ट्रांसफर करो, सॉल्व करो और आपका आंसर रेडी है। देखो इस तरीके से 2 इधर जाएगा तो न्यूमिनेटर में हो जाएगा, तो 336 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, 42 इधर आकर के डिनोमिनेटर में हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में केवल मेरा जो हाइट है वो बच जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, कटपीट जब करना स्टार्ट करोगे, तब तो जो लास्ट में आंसर आएगा वो 16 आएगा, यानी कि जो आपकी हाइट निकलेगी यहाँ से इन इसी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वो निकल जाएगी 16 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना कि ये हाइट है तो ये सेंटीमीटर के स्क्वायर में नहीं निकलेगा। ओके, बस एरिया ही हमारा सेंटीमीटर के स्क्वायर में या मीटर के स्क्वायर में निकलता है। तो ये दोनों चीज़ें बोली गई थी इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए, आपने फाइंड कर लिया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, एकदम सिमिलर है 3 की तरह ही, थोड़ी फिर भी मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा दूंगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड आर 18, 24 एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। यानी कि अपने को एरिया निकालना है जिसके तीनों साइड दे दिए गए हैं, और तीनों साइड दिया गया यानी कि यहाँ भी हीरोज का फॉर्मूला लगेगा। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड। यानी कि यहाँ पर भी अपने को क्या करना है, यहाँ पर हाइट वर्ड यूज़ किया था, यहाँ पर एल्टीट्यूड वर्ड यूज़ किया है, दोनों सेम होते हैं। यहाँ भी अपने को हाइट निकालना है, और किस साइड से निकालना है, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट साइड है ना उससे अपने को उसकी हाइट निकालनी है। पिछली बार लॉन्गेस्ट साइड से निकालनी थी, इस बार स्मॉलेस्ट साइड से निकालनी है। तो सेम टू सेम सॉल्व होगा, यही सॉल्व किया जाए। तो देखो यहाँ पर चूंकि सेम क्वेश्चन था इसलिए मैंने ज़्यादा स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिखा है, आप पूरा का पूरा स्टेटमेंट जैसे 3 में मैंने बनाया था ना वैसे ही बनाओगे। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट एस की वैल्यू निकाल ली है, तो एस इक्वल टू हमारा तीनों साइड, तो 18 + 24 + 30 / 2 हो जाएगा। तो सबको ऐड करेंगे तो 72/2 आएगा, जो कि हमारा 36 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। ये हमारे एस की वैल्यू निकल गई। उसके बाद एस माइनस ए निकालना है, तो वही हमारा मान लो ये वाला साइड हमारे पास, ये लोग पहले ए ले लेता हूँ, इसको बी इसको सी ले लेता हूँ। तो एस माइनस ए 36 - 18 यानी कि 18 सेंटीमीटर, एस माइनस बी तो 36 - 24 ये वाला 24 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और एस माइनस सी 36 - 30 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर निकल गया। अब एरिया निकालने के लिए हमको पता ही फॉर्मूला, मैं एक बार फॉर्मूला आपको फिर से दिखा देता हूँ। आप बार बार इस फॉर्मूला को लिखोगे, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये फॉर्मूला आप जितनी बार लिखोगे उतना जल्दी आपको याद होगा। तो एस यानी कि उसके जगह पर अपने को रखना है 36, मैं 36 रख लेता हूँ। फिर एस माइनस ए तो ये हो जाएगा 18, एस माइनस बी तो ये हो जाएगा 12, एस माइनस सी ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर में सभी, तो सेंटीमीटर के स्क्वायर में एरिया निकलेगा। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास 36 देखो पहले से है, 18 भी पहले से है, तो हम लोग इसको कुछ ऐसा बनाते हैं ताकि हमारा जल्दी से ये यहाँ से बाहर निकल सके, यानी कि अपने को ज़्यादा देर इसको ब्रैकेट के अंदर नहीं रखना, सॉरी ब्रैकेट बोल रहा हूँ रूट के अंदर। और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि अब आप क्लास 6-7 में तो हो नहीं, तो इसको हम छोटा छोटा 2 × 2 इतना भी करोगे ना टाइम वेस्ट होगा। आप लोग शॉर्टकट में देखो क्या कर सकते हो, 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36 को हम लोग लिख सकते हैं 12 × 3। यहाँ पर पहले से 12 है तो 12 12 का पेयर बन जाएगा, तो वही करता हूँ मैं, इसको 12 × 3 लिख देता हूँ। 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 6 × 3 18 होता है, तो 6 × 3 कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पहले से एक 6 है और एक 3 भी है, तो 18 को मैं 3 × 6 कर दिया। फिर 12 को मैं क्या कर सकता हूँ, तो 12 को 12 ही रहने देता हूँ, क्योंकि दूसरा 12 है ना, तो ये मिल करके बाहर निकल जाएंगे, और ये 6 को 6 रहने दो। तो इससे फायदा क्या हुआ, ये 12 और ये 12 का पेयर बन गया, तो 12 बाहर निकल जाएगा, 3 3 का पेयर बना 3 बाहर निकल जाएगा, 6 और 6 का पेयर बना तो 6 बाहर निकल जाएगा, और सेंटीमीटर का स्क्वायर में जो है हमारा आंसर निकल करके आएगा। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 216 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब एरिया निकल गया है, तो सेम वैसी हाइट निकाल दो। यहाँ पर लिख लो अब स्मॉलेस्ट साइड, हमारे पास जो स्मॉलेस्ट साइड है इस बार वो कितना है, तो वो 18 सेंटीमीटर है, तो इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। अब अपने को यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो दूसरा वाला फॉर्मूला है वो लगा लेना है। तो वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस, तो बेस की जगह पर 18 और मल्टीप्लाई हाइट, यही हमारा फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब इस सभी को ट्रांसफर कर दो, तो ये जाएगा 216, ये 2 इधर से आकर के ऊपर हो जाएगा, 18 चला जाएगा नीचे में, इक्वल को साइड बच जाएगा हमारे पास केवल हाइट। जब आप इस पूरे को कटपीट करोगे सॉल्व करोगे तो आपका हाइट का जो वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर इक्वल टू हाइट में डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इस तरीके से आपका एरिया भी निकल करके आ गया, और इसकी जो जो हमारी लेंथ थी यानी कि ये वाली जो हाइट थी हमारी एल्टीट्यूड जो स्मॉलेस्ट साइड से बन रही थी, तो ये भी हमारी निकल कर 24 सेंटीमीटर। अगर लॉन्गेस्ट साइड से बोलता तो हम लोग इधर वाला निकालते ऐसे वाला, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग जो बेस है ना उसको 30 सेंटीमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया जाए।
सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट इज ऑल्सो सिमिलर बट द नंबर आर चेंज. यहाँ पर जो नंबर बस उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है, बड़ा बना दिया गया है. बाकी जो क्वेश्चन यहाँ भी सेम है. यहाँ भी अपने को एरिया निकालना है एक ट्रेंगुलर फील्ड का जिसके साइड हमें दिए हुए हैं, और उसका भी हाइट निकालना है लॉन्गेस्ट साइड का यूज़ करके, यानी कि 105 का यूज़ करेंगे और इसका भी हाइट निकालेंगे. तो चलिए पहले तो एरिया निकालना पड़ेगा, तो एरिया निकाल लेते हैं. तो देखो यहाँ पर भी सिमिलर क्वेश्चन था, तो मैंने आधा काम पहले ही कर लिया है. हमने क्या किया कि ये जो हमें साइड दी हुई यहाँ पर मैंने लिख लिया, उसके बाद एस की वैल्यू निकाल ली, एस यानी कि सेमी पेरीमीटर, तीनों को ऐड किया, तीनों साइड को उसको 2 से डिवाइड किया. तो तीनों साइड को ऐड करोगे 294 आ जाएगा, 294 को 2 से डिवाइड करोगे तो 147 मीटर आएगा. ओके, अब एस माइनस ए की वैल्यू निकालनी है, तो इसको ए, इसको बी और इसको सी ले लेते हैं. तो यहाँ पर 147 में से 91 को माइनस किया तो 56, उसी तरीके से 98 को माइनस किया तो 49, और 105 को माइनस किया तो 42 मीटर आ गया. ये हमारे एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का वैल्यू निकल गया. अब हम लोग यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या करेंगे, फॉर्मूला को उतार देंगे. मैं एक बार फॉर्मूला लिख ही देता हूँ ताकि बार बार लिखूंगा ना तो आपको याद होगा. एस होगा, फिर एस माइनस ए लिखना है, फिर एस माइनस बी लिखना है, फिर एस माइनस सी लिखना है. बस सिंपल एकदम. और ये यहाँ पर आपको साइड में स्क्वायर यूनिट भी जरूर लिख लेना है ताकि आपको याद रहे कि एरिया स्क्वायर यूनिट में निकलता है. अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ को पुट करते हैं. एस की जगह पर हमारा कितना है 147, तो 147 लिख लो. मल्टीप्लाई में एस माइनस ए की जगह पर 56 लिख लो, फिर एस माइनस बी की जगह पर 49 और एस माइनस सी की जगह पर 42, और ये सब मीटर में थे तो मीटर के स्क्वायर में आएगा. अब यहाँ पर देखो नंबर बड़ा है, तो अब आप लोग माइंड में इसको सॉल्व करने में कन्फ्यूज़ हो सकते हो. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 147 का जो क्या बोलते हैं फैक्टर है उसको साइड में निकालने की कोशिश करेंगे. तो 147 हमारा 2 के टेबल में तो आएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 7 है. 3 से डिवाइड कर लो इसको, 3 के टेबल में, 3 के टेबल में 4 टाइम पे आ जाएगा 12, तो 14 में से 12 कट हुआ, बचा 2, वो आगे जाकर 27 बना देगा. तो 3 9 27. अब देखो इसके आगे मैं 49 को कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास यहाँ भी एक 49 पहले से है. तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ ताकि मेरा ये फैक्टर बन सके और 49 के साथ मिलकर के बाहर निकल सके. तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 49. ठीक है, अब यहाँ पर 49 एक और है ना, इसको भी उतार ही देता हूँ ताकि मेरा टेंशन छूट जाए. अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में देखता हूँ क्या क्या बाहर निकाल सकता हूँ. 56 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 56 को मैं लिख सकता हूँ 7 × 8 ना, 7 × 8 = 56 होता है. और फिर यहाँ पर 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 6 × 7 लिख सकता हूँ, है ना, या फिर 7 × 6 भी लिखोगे तो भी चलेगा. तो यहाँ से 7 7 का तो पेयर बन जाएगा. अब 8 और 6 का तो पेयर बन नहीं रहा है, तो इसको और छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं. 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2. ठीक है, और उसके बाद फिर जो 6 है उसको लिख सकते हैं हम लोग 2 × 3. तो यहाँ से देखो 2 2 का पेयर बन जाएगा, और ये वाला 3 और ये वाला 3 पेयर बना लेंगे. तो हम लोग वही काम करते हैं. 56 को क्या लिखूंगा मैं, एक बार 7 लिख लेता हूँ, और उसके बाद फिर 8 के जगह पर 2 × 2 × 2 तीन बार कर देता हूँ. उसके बाद फिर 49 तो हमने पहले ही लिख दिया है. ये 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 7 और मल्टीप्लाई में 6 की जगह पर 2 × 3 कर देता हूँ. तो इससे मेरा बहुत फायदा हो गया, काम बहुत आसान हो गया ऐसे करने से. अब देखो यहाँ पर 49 का पेयर बन गया है, बाहर निकाल लो. 7 और 7 का पेयर बन गया है, बाहर निकाल लो. 3 और 3 का पेयर बन गया है, बाहर निकाल लो. 2 का यहाँ पर एक पेयर और ये दोनों मिलाकर के एक पेयर, इन दो पेयर बन गए हैं. अब इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर मीटर के स्क्वायर में. अब जब आप इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो आपका जो कंप्लीट आंसर आएगा वो आएगा 4116 मीटर का स्क्वायर. ये निकल करके आ जाएगा आपका एरिया. ओके, तो एरिया निकल गया. अब आपने क्या बोला था कि जो लॉन्गेस्ट साइड है वहाँ से आपको क्या करना है, इसका हाइट भी निकालना है. तो यहाँ पर आप लोग लिखो पहले तो लॉन्गेस्ट साइड, कि जो लॉन्गेस्ट साइड है वो कौन सा भैया, तो लॉन्गेस्ट साइड इक्वल टू हमारे पास है 105 मीटर. ओके, तो अब यहाँ से हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है हमारे पास 4116, और इक्वल टू साइड में 1/2 बेस अपने को दिया हुआ, यही जो हमारा मेन है ना, ये वाला यही हमारा बेस है. ठीक है, जो सबसे बड़ा है, और इसी से हमें करस्पॉन्डिंग हाइट ऐसी निकालनी है. तो बेस हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 105 और मल्टीप्लाई हाइट की जगह में एच रहने देते हैं. अब जब सबको ट्रांसफर करोगे तो 2 पर आ जाएगा, तो हो जाएगा 4116 × 2 और डिवाइड बाई में हमारे पास हो जाएगा 105. अब यहाँ पर आप देखोगे कि जब आप इसका डिवाइड करने जाओगे ना तो डिवाइड होगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है. तो ये तो या तो हमारा 3 से डिवाइड होगा या तो 5 से होगा, नहीं कंप्लीट आपको यहाँ पर डिवाइड नहीं मिलेगा. तो आपका आंसर जो है डेसिमल में आने वाला है. तो आप क्या करोगे कि जब कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है ना तो आप एक ही बार कंप्लीट डिवाइड करो. कैसे करना है वो समझो, आप न्यूमरेटर में जो नंबर दिया हुआ है इसका पूरा मल्टीप्लाई कर दो. 4116 × 2 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 6 12 2 कैरी हो गया 1, 2 1 2 और 1 3, 2 1 2 2 4 8, इतना आंसर आ गया ना 8232. अब डायरेक्ट आप क्या करो, इसी को डिवाइड दे दो. देख लो कि पहले ये हमारा 3 से हो रहा है कि नहीं. तो 8 और 2 10, 10 और 3 होता है मेरा 13 और 2 15. तो अभी ये हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है और नीचे 105 है, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 5 और 1 6 होता है. तो जब तक ये कट हो रहा है तब तक कट कर लो. जब कट होना बंद हो जाएगा ना तब आप डायरेक्ट क्या करना है, बड़ा सा एक डिवाइड वाला बनाना, या फिर आप चाहो तो शुरू में ही ऐसे डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो. 8 2 3 2 लिखो
और इसको डिवाइड दो 105 से, लेकिन यहाँ पर डिवाइड दोगे थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए एक बार कट कर लेना। कट करने से जो नंबर छोटा हो जाता है ना, तब डिवाइड देना आसान होता है। तो जब आप इसको डिवाइड दोगे तो आपका जो आंसर निकल करके आएगा वो आएगा 78.4 मीटर। तो इस तरीके से आपको इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है। तो मेन आप लोगों को यही पर ऑपरेशन में ही टाइम लगेगा, बाकी क्वेश्चन एकदम सॉल्व है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में जो समय लगेगा वो लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग घुमा करके दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि द साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5, 12 एंड 13, यानी कि जो साइड है हमारे ट्रायंगल की वो रेशियो में बताया गया है, उनका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया गया है। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि जो पेरीमीटर है वो 150 मीटर है, और पेरीमीटर भी दे दिया गया है, तो बताइए एरिया जो होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से साइड निकालेंगे इस पेरीमीटर का यूज़ करके, और जब साइड निकल जाएगा तो आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। और साइड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हमें जो रेशियो दिया हुआ है इसको हम लोग एक्स मान करके साइड निकालेंगे। कभी भी अगर रेशियो दिया रहे ना तो उसे एक्स वाई या जेड जो भी मानना है मान लो, और आसानी से उसे सॉल्व करो, जैसे कि मैंने आपको क्लास 7 से सिखाते हुए आया है। आइए कैसे सॉल्व करना है कॉपी में समझते हैं। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप क्या करो कि जो भी हमें रेशियो दिया हुआ है उसको एक्स मान लो, जैसे कि एक साइड को 5x, दूसरे वाले को 12x और तीसरे वाले साइड को 13x हमने मान लिया। अब अपने को क्या बोला गया था कि उसका पेरीमीटर जो है वो है 130 ही दिया था ना क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 150 बोला था। तो पेरीमीटर जो है 150 मीटर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो पेरीमीटर दिया हुआ है अपने को वो दिया हुआ है 130 मीटर। ओके तो अब पेरीमीटर कैसे निकलता है, किसी भी जो हमारे पास ट्रायंगल से पेरीमीटर कैसे निकलता है, तो तीनों साइड को ऐड करते हैं तब पेरीमीटर निकलता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 5x प्लस 12x और प्लस जब 13x किया जाएगा तभी हमारा पेरीमीटर निकलेगा। सॉरी मैं 130 क्यों लिख रहा हूँ बार बार, 150 दिया हुआ है एक्चुअल में, तो 150 मीटर। ओके तो अब यहाँ पर हम लोग जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो 13 और 12 हो जाएगा हमारा 25, 25 और 5 हो जाएगा 30। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 30x इक्वल टू 150 मीटर। अब x की वैल्यू चाहिए तो 30 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो x इक्वल टू हो जाएगा 150 डिवाइड बाई में 30, 0 से 0 कट, 3 1 3, 3 5 15। तो x का वैल्यू जो है यहाँ से 5 मीटर निकल करके आ गया। तो हम लोग फर्स्ट साइड को ए मान लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पर मैं ए करके लिख देता हूँ, कि आप चाहो तो साइड नंबर 1 लिख लो या फिर फर्स्ट साइड करके लिख लो, जैसे लिखना चाहो लिख लो। तो मैं ए इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि बाद में मुझे ए बी सी लिखना ना पड़े, ठीक है। तो ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले साइड निकालने के लिए 5 का एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × 5 हो जाएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू तो हमने 5 ही निकाली, तो 5 × 5 जो हो जाएगा 25 मीटर। उसके बाद बी की वैल्यू दूसरा वाला साइड को हम लोग बी मान लेते हैं, तो 12 × 5, 12 × 5 जो कितना होता है 60 होता है, तो 60 मीटर। फिर तीसरी वाली साइड हमारी हो जाएगी कितनी है, 13x है ना, तो 13 × 5, तो 13 × 5 = 65 होता है, तो 65 मीटर। ये हमारा ए बी और सी का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ से एस की वैल्यू निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी, एस यानी कि सेमी पेरीमीटर। तो ये हो जाएगा 25 प्लस में 60 प्लस में 65 डिवाइड बाई में हमारे पास हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 60 और 60 कितना होता है 120, 120 और 20 हो जाएगा हमारा 140, 5 और 5 हमारा 10 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 150। फिर 150 को अपने को 2 से डिवाइड देना रहेगा, तो 150 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 75 मीटर, क्योंकि ये सब हमारे पास क्या में थे, मीटर में थे। अब ये हमको एक चीज़ का वैल्यू मिल गया एस का वैल्यू। अब हम लोग एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की भी वैल्यू यहीं पर निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा हमारा 75 माइनस में 25 एस माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा 50 मीटर। फिर उसके बाद एस माइनस बी निकाल लो यहीं पर, तो 75 माइनस में हो जाएगा हमारे पास कितना है, बी की वैल्यू 60 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 मीटर। फिर s माइनस सी यानी कि 75 माइनस में 65, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 मीटर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जल्दी जल्दी पहले तो हमने तीनों साइड निकाल लिए, इस जो हमारे रेशियो दिया हुआ था इस रेशियो का यूज़ करके साइड निकाल लिया। साइड निकल गया तो अब हमने को पता है कि अब साइड तीनों दिए हुए हैं तो हीरोइंस का फॉर्मूला लगेगा, तो उसके लिए s की जरूरत पड़ेगी, तो s निकाल लिया और s माइनस सी, s माइनस बी, s माइनस सी सब निकाल लिए हैं। चलो जल्दी से इसको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए वो पता ही फॉर्मूला, सबसे पहले एस लिखा जाता है जो कि हमने कितना निकाला, 75 निकाला, तो यहाँ पर मैं 75 लिख लेता हूँ। फिर एस माइनस ए लिखना है यानी कि 50, फिर एस माइनस बी लिखना है यानी कि 15, और एस माइनस सी यानी कि 10, और ये सब स्क्वायर यूनिट में निकलता है तो मीटर का स्क्वायर लगा दो, ठीक है। 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 × 5 लिख सकते हैं, मैं यही लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर पहले से एक 15 है, तो 15 का पेयर बन जाएगा। 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 × 5 लिख सकता हूँ, इससे होगा क्या कि ये 5 और 5 का पेयर बन जाएगा मेरा, और ये 50 का भी मेरा काम हो गया क्योंकि 10 और 10 भी बन जाएंगे, और ये 15 को उतार दो और ये जो मेरे लास्ट में 10 है इसको उतार दो, ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। कुछ भी मैंने इन दोनों में कन्वर्ट इसलिए नहीं किया है क्योंकि पहले से इसके जो ग्रुप हैं ये मिल चुके हैं हमें। अब देखो 15 का पेयर बन गया, 15 को बाहर निकालो, 5 का पेयर बन गया, 5 को बाहर निकालो, 10 का पेयर बन गया, 10 को बाहर निकालो। 15 × 5 जो कितना होता है 75, 75 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 750 मीटर का स्क्वायर जो है वो एरिया निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना था। कुछ भी डाउट हो तो नीचे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर हमसे अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं।
तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जहां पर हमसे कहा जा रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 540 मीटर, यानी पेरीमीटर दे दिया गया है फील्ड का और उसके जो साइड हैं उसके रेशियो दिए गए हैं 25, 17 और 12। सेम क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ भी पेरीमीटर और रेशियो दिया हुआ था, बस यहाँ पर फिर से वही कि नंबर को थोड़ा सा बड़ा बना दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। पहले तो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, एरिया बता लो फील्ड का जैसे पहले निकाले थे। उसके बाद इसमें एक थोड़ी सी और चीज़ ऐड कर दी गई है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लफिंग द फील्ड एट ₹5 पर मीटर के स्क्वायर, यानी फील्ड की अगर अपने को प्लफिंग करनी है, प्लफिंग समझते हो ना, जैसे जो हल वगैरह चलता है जिसे मिट्टी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है ताकि बीज लगाने में आसानी होती है, उसको बोलते हैं प्लफिंग। ठीक है, तो प्लफिंग अगर अपने को ₹5 पर मीटर के स्क्वायर से करना है तो कितना टोटल कॉस्ट पड़ेगा वो बताना है। तो देखो पर मीटर का मतलब होता है 1 मीटर, 1 मीटर के स्क्वायर का अपने को कॉस्ट दे दिया गया है। तो अगर अपन एरिया निकाल लेंगे, मान लो एरिया निकल गया 100 मीटर के स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 का दिया हुआ है, 100 का निकालना रहेगा, तो 1 वाला का 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तुरंत निकल जाएगा टोटल जो प्लफिंग का कॉस्ट है। तो ये मुश्किल नहीं है, मेन अपने को क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। ये कैसे निकालेंगे मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ जल्दी से फिर से। तो देखो पहले की तरह यहाँ पर फिर से लिख लेना है कि लेट दी साइड ऑफ ट्रायंगल बी 25x, 17x एंड 12x, यानी जो साइड हमारे पास जो रेशियो में दिए थे उसको एक्स मान करके कर लेते हैं। अब पेरीमीटर अपने को बता ही दिया गया 540 मीटर है, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तभी पेरीमीटर निकलेगा, तो इक्वल करके पेरीमीटर लिख लो। इन तीनों को ऐड करोगे तो आपका आएगा 54, ठीक है, 54x आ जाएगा, इक्वल के उस साइड में 540, अपने को एक्स की वैल्यू चाहिए ताकि हम लोग इन तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 54 की तरह ट्रांसफर करेंगे जो कि डिवाइड में आ जाएगा। अब इनको कट करोगे तो 10 आ जाएगा, क्योंकि 54 बन जाए 54, बस एक जीरो बच जाएगा, तो 10 मीटर जो है वो एक्स की वैल्यू निकल गई। अब एक्स की वैल्यू निकल गई तो इस वाले साइड को ए, इसको बी और इसको मैं सी मान लेता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, वहाँ पर आप लोग चाहो तो पहले की तरफ साइड वन या फिर फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड इस तरीके से लिख सकते हो। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 25 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, क्योंकि 25 मल्टीप्लाई x है, चिपका हुआ यानी कि मल्टीप्लाई में है। तो x यहाँ पर 10 लिख लेंगे तो 250, इसमें 170 और इसमें 120 मीटर निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर मैंने सेमी पेरीमीटर लिख लिया है, क्योंकि अभी तक मैंने एक बार भी सेमी पेरीमीटर नहीं लिखा था, बस बार बार मैं आपको s लिख के समझा दे रहा था, तो मैंने सोचा एक बार लिख ही देता हूँ। तो सेमी पेरीमीटर यानी कि s ही होता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक गलती कर दिया, हड़बड़ी में मैं ध्यान नहीं दिया कि मुझे तो पेरीमीटर पहले से दिया हुआ है, तो मैं बार बार क्यों ऐड करूँ फालतू में, पेरीमीटर को ही डायरेक्ट 2 से डिवाइड दे दो ना। हम लोग ऐड कब करते हैं, जब पेरीमीटर नहीं दिया रहता है तब ऐड करके हम लोग वहाँ पर पेरीमीटर निकालते हैं और 2 को से डिवाइड देते हैं, लेकिन जब अपने को पेरीमीटर पहले से दिया हुआ है तो ये काम हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने लिख दिया था इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप ये गलती मत करना। अब डायरेक्ट क्या करना, 540 जो अपने को पेरीमीटर दिया है उसको 2 से डिवाइड दोगे तो 270 मीटर जो है हमारा पेरीमीटर निकल करके आ जाएगा, सिर्फ सेमी पेरीमीटर। अब हम लोग यहाँ से एस माइनस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एस माइनस ए यानी कि 270 माइनस में 250 हो जाएगा, जो कि निकल जाएगा आपका 20 मीटर। उसके बाद s माइनस बी भी निकाल लो, तो ये भी हो जाएगा 270 माइनस में 170, तो 270 में से 170 गया तो 100 मीटर आएगा। उसके बाद फिर s माइनस सी की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 270 माइनस में 120, तो ये निकल जाएगा हमारा 150 मीटर। अब हम लोग आते हैं हीरोन्स का फॉर्मूला, जिसको लिखते हैं हम लोग डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला आपको पता ही है, s फिर s माइनस ए फिर s माइनस बी और s माइनस सी। तो s की जगह पर अपने को लिखना है 270 मल्टीप्लाई में एस माइनस ए यानी कि 20, एस माइनस बी यानी कि 100 और एस माइनस सी यानी कि 150, और ये सभी मीटर में है तो मीटर के स्क्वायर में हमारा आंसर निकलेगा। अब इसको दिमाग लगाते हैं कि जल्दी कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो देखो 100 है, 20 है, 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 जो होता है वो 20 के टेबल में कितने टाइम पे आता है, 20 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो मैं 20 को कुछ भी नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं 100 को क्या कर दूंगा, 20 मल्टीप्लाई 5 कर दूंगा। उसी तरीके से 150 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई हमारा 5 कर दूं अगर मैं, है ना, या फिर 50 मल्टीप्लाई 3 करूं तो चलेगा क्या, नहीं, वहां पर हमारा गड़बड़ होगा क्योंकि यहां पर 270 है ना। तो देखो इसको मैं क्या कर सकता हूं, 270 को आप 27 मान लो, तो 27 को हम लोग 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे, 3 3 9 9 3 27, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे इस तरीके से, 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 30, क्योंकि 3 3 9 9 3 27 और ये 0 का 0 उतर जाएगा, 270 आ जाएगा। उसके बाद 20 की जगह पर 20 रहने दो, 100 को आप लोग लिख लो 20 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, 20 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद अब 150 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखो यहाँ पर हमारे पास 3 का एक पेयर बन रहा है और हमारे पास यहाँ पर एक 5 सिंगल बच रहा है, तो इसको कुछ ऐसा बनाना है ताकि अब इसको यहाँ पर देखो ना, एक 30 बचा हुआ है और एक 5 बचा हुआ है, यही दोनों बेचारे अकेले हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 मल्टीप्लाई 5 लिख सकता हूँ क्या, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। 150 अगर मुझे लाना है तो इसको मत देखो, बस 15 देखो, 15 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5 कर सकते हैं। तो उसी तरीके से 150 लाने के लिए 30 मल्टीप्लाई 5 कर दो, 3 5 15 हो जाएगा, 0 उतर जाएगा, उससे ये 30 और ये 30 का पेयर बन गया, ये 5 और ये 5 का पेयर बन गया, तो सभी का यहाँ पर पेयर बन गया, उसको बाहर निकालो। सबसे पहले मैं 30 को ही बाहर निकाल देता हूँ, उसके बाद 20 का भी पेयर बना हुआ है, 20 को बाहर निकाल देता हूँ, उसके बाद मेरा 5 का भी पेयर बना हुआ है तो 5 को बाहर निकाल लेता हूँ, और लास्ट में जो 3 का पेयर बना हुआ है इसको बाहर निकाल लेता हूँ। सभी हमारे मीटर में थे तो ये मीटर के स्क्वायर में हमारा आंसर आएगा, ये ध्यान रखना। इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 9000, यानी कि 9000 मीटर के स्क्वायर जो है ना वो इस ट्रायंगल का एरिया है। ठीक है, ये हमारा एरिया निकल गया। अब अपने को कॉस्ट बोला था प्लफिंग का, यहाँ पर कॉस्ट पर
मीटर का स्क्वायर, ठीक है। पर मीटर के स्क्वायर का जो कॉस्ट था वो ₹5 था, यानी ₹5 पर मीटर के स्क्वायर था। तो यहाँ पर अपने को तो टोटल इतना एरिया का निकालना है ना, तो यहाँ पर आप लिखोगे टोटल कॉस्ट, शॉर्टकट में एकदम। तो टोटल कॉस्ट होगा, यहाँ पर अपने को 1 का दिया हुआ है, अपने को इतने का निकालना है, तो 1 के वैल्यू से इतने का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 9000 से मल्टीप्लाई कर दो 5 का, तो हो जाएगा 9 × 5 = 45, और ये 3 0 जो उतर जाएंगे, और ये हमारा जो कॉस्ट है वो क्या में निकलता है, रुपी में निकलता है। तो यहाँ पर रुपी जरूर लिखना, आप लोग यूनिट बहुत बार नहीं लिखते हो तो उससे गलती हो जाता है, एक आध नंबर कट हो जाता है, तो नंबर बिल्कुल कट नहीं कराना है। अगर मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर लिखना है, अगर अपन कॉस्ट निकाल रहे हैं तो वहाँ पर रुपी लिखना है ना। अगर आप अमेरिका में रहते हो तो वहाँ पर डॉलर लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आई होप आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा 8th नंबर का उसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पहले रीड करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है टू साइड ऑफ ए ट्रेंगुलर फील्ड आर 85 मीटर एंड 150 मीटर इन लेंथ, यानी कि दो साइड दिया हुआ है एक ट्रेंगल का, तो ट्रेंगल में तो तीन साइड होते हैं अपने को, यानी कि तीसरा साइड तो पता करना पड़ेगा। और उसका पेरीमीटर हमें बोल रहा है 324 मीटर। तो पहले आप पता कीजिए द एरिया ऑफ फील्ड, यानी फील्ड का एरिया कितना है। तो एरिया निकालने के लिए तीसरा साइड पता करना पड़ेगा, जब तीसरा साइड पता रहेगा तभी हम लोग हीरोन्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं तीनों साइड का यूज़ करके। तो पहले तीसरा साइड पता करेंगे, उसके बाद हीरोन्स का फॉर्मूला लगा करके एरिया निकालेंगे। और फिर दूसरा क्वेश्चन एक और है इसमें कि द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स ऑन दी साइड मेजरिंग 150 मीटर, यानी यही चीज़ है जैसे आपको पहले बोला रहता था ना कि वहाँ पर आप हाइट फाइंड करो, फिर लिखा रहता था कि आप एल्टीट्यूड फाइंड करो, उसी घुमा करके बोल रहा है कि जो परपेंडिकुलर यानी सीधी लाइन जो बनेगी अपोजिट साइड में 154 के, यानी कि जो हमारा एक साइड दिया हुआ है ना, यहाँ पर देखो हमारा जो ट्रैंगल उसका एक साइड 154 है, तो मान लो नीचे में 154 है, तो उससे जो हमारा अपोजिट वर्टेक्स यानी ऊपर वाला जो वर्टेक्स रहेगा कोना रहेगा उससे जो सीधी लाइन बनती है उसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। तो एक तरह से घुमा फिरा करके अपने को हाइट ही निकालना है, ये जो इतना लंबा चौड़ा घुमाया है ना इसका एक्चुअल में सिंपल सा लैंग्वेज में मतलब होता है हाइट। आपको हाइट निकालना है 154 वाले जो साइड है उसकी तरफ से, पहले जो लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट बोलता था इधर अपने को डायरेक्ट साइड का नंबर दे दिया है और कुछ नहीं है। तो ये कैसे सॉल्व करना है मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पहला वाला साइड है उसको हम लोग ए मानते हैं, दूसरे वाले को बी मानते हैं, तो तीसरा वाला को मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया हूँ सी मीटर। आप चाहो तो इसके बदले में एक्स वगैरह भी लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया लेट दी थर्ड साइड भी सी मीटर, जो हमारा थर्ड वाला साइड है वो सी मीटर है। अब पेरीमीटर का हमें दिया हुआ है पेरीमीटर 324 है, अब हमको क्या पता है कि जब तीनों साइड को ऐड किया जाता है तब जाकर के हमारा पेरीमीटर निकलता है। तो दो साइड हमारे कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास 85 है, दूसरा वाला 154 है, दोनों को ऐड कर दिया, उसमें तीसरी वाली जो साइड सी है उसको भी ऐड कर दो, इक्वल को साइड में लिखो 324 मीटर। बस इसको सॉल्व करो आपको सी का वैल्यू मिल जाएगा, इन दोनों को ऐड करो 5 और 4 हो जाएगा 9, 15 और 8 हमारे पास हो जाएगा 23, ठीक है। ओहो 23 इस तरीके से, प्लस में सी इक्वल टू 324 मीटर, ठीक है ना, मैंने सही ऐड किया है ना, 5 और 4 9 कर दिया और यहाँ पर 15 और 8 23, हाँ सही कर दिया है। अब सी का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा 324, इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो माइनस में 239 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 14 में से 9 माइनस होगा तो आ जाएगा आपका 5। उसके बाद अब यहाँ 1 बचा है, 1 इसमें बोरो मांगेगा उधार मांगेगा ताकि 3 से माइनस हो सके, तो ये बन जाएगा 11, 11 में से हमारा 3 माइनस होगा तो आ जाएगा 8। यहाँ पर अब बचा है 2, 2 में से 2 माइनस होगा तो 0, यानी कि जो सी हो गया यानी थर्ड वाली जो साइड हो गई वो निकल के हमारी 85 मीटर, क्योंकि हमारा ये क्या था मीटर में था, ये दोनों भी मीटर में, तो थर्ड वाला भी मीटर में ही होगा। तो देखो पहला वाला साइड भी हमारा एक तो हमारा 85 था, ए वाला भी, बी वाला ए 154 है और सी वाला भी 85 है, यानी कि ये हमारा जो है ना एक आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसके दो साइड आपस में इक्वल हैं। थोड़ा सा मैं अच्छे से बना देता हूँ इस तरीके से ताकि आपको समझ में आए। देखो ये भी 85 है, हो बड़ी हड़बड़ी में हूँ मैं क्योंकि बहुत बड़ा लेंथी वीडियो जा रहा है ना आजकल, मैं चाहता ही हूँ कि लेंथी वीडियो बने ताकि मुझे टाइम तो मिल नहीं रहा है, तो मैं बड़े से बड़े वीडियो बना दूँ ताकि आपको एक ही वीडियो में बार बार वीडियो ढूंढना ना पड़े और एक ही वीडियो में ज़्यादा सॉल्यूशन मिल जाए। तो ये वाला हमारा 154 है, अपने को इसी का करस्पॉन्डिंग साइड बताना है। देखो इसको बोल रहे थे कि परपेंडिकुलर लाइन पता कीजिए 154 के अपोजिट वर्टेक्स से, तो अपोजिट वर्टेक्स ये वाला को बोला जाता है, वर्टेक्स मतलब कोना होता है, ठीक है। तो इस वाले कोने से आपको क्या करना है, ऐसे ये जो हाइट लाइन बन रही है इसका वैल्यू निकालना है, तो यही तो क्या होता है, ये हमारा हाइट होता है। तो बस यहाँ पर अपने को सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर ए बी और सी का वैल्यू पता चल गया, तीनों साइड मिल गया। हम लोग जल्दी से क्या करते हैं, एस का, एस माइनस ए का और एस माइनस बी का वैल्यू मैं यहाँ पर वीडियो को पाउज करके निकाल लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। देखो यहाँ पर मैंने तीनों की वैल्यू निकाल ली, सबसे पहले एस की वैल्यू निकाली, जो हमारे पास 324 उसका पेरीमीटर दिया हुआ था उसको 2 से डिवाइड दिया तो 162 हमारा मीटर जो है वो एस का वैल्यू निकल गया। अब एस माइनस ए निकालने के लिए मैंने क्या किया, 162 में 85 माइनस किया, यहाँ पर 324 मैंने गलती से लिख दिया था और गलती हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि मैं थक चुका हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है ना, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी हमारा वीडियो जो है वो कंप्लीट हो जाए और क्वेश्चन नंबर 11 तक का जो मेरा टारगेट वो पूरा हो जाए। तो 162 में से 85 माइनस करोगे तो 77 आएगा, एस माइनस बी यानी वही 162 में से 154 माइनस करोगे तो 8 आएगा और एस माइनस सी यानी कि 162 में से 85 माइनस करोगे तो फिर से वही 77 ही आएगा। फॉर्मूला मैंने लिख लिया है ताकि आपको बार बार मैं फॉर्मूला दिखा दूँ और आपको याद हो जाए।
फॉर्मूला आपको एकदम इतना प्रैक्टिस कर लेना है कभी फॉर्मूला जिंदगी में भूलो ही ना। अब यहाँ पर हम लोग रूट के अंदर इसको पुट कर देते हैं। एस का वैल्यू कितना है, 162 है, तो 162 लिख लेता हूँ। एस माइनस ए 77 है, एस माइनस बी 8 है और एस माइनस बी 77 है। मीटर में सभी तो मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। 77 77 है, इसको कुछ नहीं करना है, ये डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा हमारा। इन दोनों को अपने को सॉल्व करना है। तो 162 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 2 का टेबल में आ रहा है ना, 2 8 जो हो जाएगा हमारा 16, यहाँ पर फिर 2 1 2 81 बन गया। इसको आप लोग डायरेक्ट 9 से कर सकते हो क्योंकि 9 9 जो हमारा 81 होता है, तो उससे मेरा डायरेक्ट 9 का पेयर बन जाएगा। बाकी आप 3 से भी कर सकते हो लेकिन बड़े नंबर से करो ताकि टाइम बच जाए। उस मतलब 8 को क्या लिख सकते हैं, तो 8 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 तीन बार लिख सकते हैं। तो दो बार तो अपना खुद का पेयर बना लेगा और एक 2 जो बच जाएगा वो इसके साथ पेयर बना लेगा। देखो कुछ इस तरीके से 162 को मैं लिख लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। 77 वाला ये रहने दो और इधर वाली 77 ऐसी उतार दो, ठीक है। ये जो 8 है इसको अपन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं और मीटर का स्क्वायर उतार देते हैं। तो देखो 9 9 का पेयर बना, 9 बाहर निकल गया। 77 77 का पेयर बना, ये दोनों बाहर निकल गए। उसके बाद ये 2 और ये 2 का पेयर बनेगा तो बाहर निकलेगा, और ये दोनों का पेयर बनेगा तो ये भी बाहर निकल जाएंगे मीटर के स्क्वायर के साथ। तो जब आप इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 2772 मीटर का स्क्वायर। ये निकल जाएगा आपका एरिया इस वाले क्वेश्चन का। तो एरिया के बाद अपने को हाइट भी निकालने के लिए बोला था, तो अब यहाँ पर अपने को हाइट जो दिया हुआ है या फिर बेस अपने को जो दिया हुआ है परपेंड जिस बेस के बारे में बोला गया है वो बोला गया है 154 मीटर, ठीक है। तो इस वाले बेस से अपने को हाइट निकालना है। तो यहाँ से अब हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पर ये अब हाइट निकालने के लिए अपने को हाइट वाला फॉर्मूला चाहिए, तो हाइट वाला फॉर्मूला लिख दो 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो एरिया अपने पास कितना निकला है, 2772 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस। बेस अपने को 154 लेना है जो कि दिया हुआ था क्वेश्चन में ही, और हाइट अपने को पता नहीं है, यही अपने को निकालना है। हाइट निकाल लिए यानी कि वही करस्पॉन्डिंग साइड वर्टेक्स का अपोजिट वाला वो निकल जाएगा। हाइट और वो दोनों एक ही चीज़ है। अब यहाँ पर आप इसको ट्रांसफर कर लो, 2 को इधर ट्रांसफर करो, 2772 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और 154 नीचे में आ जाएगा इक्वल की उस साइड में मेरे पास एच बच जाएगा। देखो ये 1 को मैं बार बार इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 1 भी देखो नीचे आएगा और 1 का 154 से मल्टीप्लाई हुआ तो 154 ही आएगा, कुछ नया नंबर तो आएगा नहीं। तो उसी तरीके से मैं 1 को इसलिए हटा दे रहा हूँ, उसको ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। अब जब इन सभी को आपस में पूरा सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर है वो 36 आ जाएगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एच इक्वल टू 36 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एच की वैल्यू निकल गई यानी कि हाइट निकल गई। तो ये हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पर, और ये जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था जहाँ पर अपने को एरिया बोला था वो निकल गया। तो दोनों क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के। चलिए जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उसे सॉल्व किया जाए। तो देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है ना, वो दिख तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है लेकिन जब सॉल्व करना जाओगे ना तो थोड़ा सा एक जगह पर आपकी गाड़ी अटक सकती है। अगर आपको डेसिमल में अगर क्या बोलते हैं रूट की वैल्यू निकालनी नहीं आती है ना लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगा क्योंकि आप इस वाले क्वेश्चन को किसी भी मेथड से बना लो आपको वो यूज़ तो करना ही पड़ेगा। यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हमारा यूज़ होता है जिसमें हम लोग डेसिमल वगैरह या फिर किसी भी रूट 2 का रूट 3 का ये सब वैल्यू निकालते हैं, तो उसका आपको यूज़ करना सीखना पड़ेगा। उसके बारे में आपको चैप्टर नंबर 1 में भी सिखाया था, यहाँ पर रियल नंबर के बारे में दिया था, यहाँ पर रूट 3 का वैल्यू निकालना पड़ रहा था, रूट 5 का निकालना पड़ रहा था। उसके अलावा मैंने क्लास 8 में भी आपको सिखाया है लॉन्ग डिवीजन मेथड, यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा, चिंता मत करो। देखो इसमें बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल, एक आइसोस्केल ट्रायंगल का एरिया निकालिए। आइसोस्केल ट्रायंगल इनके जिसके दो साइड आपस में इक्वल होते हैं, जैसे अभी यहाँ पर आया था, जिसके जो इक्वल साइड हैं वो 13 सेंटीमीटर के हैं, यानी कि दो साइड हमारे 13 13 सेंटीमीटर के हैं और उनका जो एक बेस है नीचे वाला जो साइड है वो 20 सेंटीमीटर का है। तो देखो मैंने इसको आपके हेल्प के लिए दोनों मेथड से बनाऊंगा। पहले तो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि आइसोस्केल का जो हमारा फॉर्मूला होता है, अगर उसको आपको डायरेक्ट निकालना है एरिया, तो ये उसकी फॉर्मूला है जहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बेस को 4 से डिवाइड दे देना है और रूट के अंदर 4a का स्क्वायर कर देना है। a मतलब कि जो उसके इक्वल साइड है ना जो 13 सेंटीमीटर है वही a है, और b यानी कि जो उसका बेस है वो, ठीक है। तो हम लोग इस वाले फॉर्मूला से भी मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। बाकी आपके हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर जो हमारा हीरोन्स का फॉर्मूला है उससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पर, लेकिन इसमें आपको दिक्कत क्या होगा पता है, जब आप पूरा सॉल्व करोगे ना तो सब आसानी से आ जाएगा, लेकिन जब एरिया निकालोगे लास्ट में आपका 10 रूट में 69 आ जाएगा। अब इस 69 को जो रूट है ना इसका वैल्यू निकालना मुश्किल पड़ेगा आपको। इसको जब आप सॉल्व करने जाओगे तो देखो इतना लंबा चौड़ा आपका 69 का रूट का वैल्यू निकलेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई वगैरह मैंने करके इसको निकाला है, तो ये आपको थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है। जिसके अब इसके अपोजिट पर जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आपको थोड़ा सा ईजी लगेगा इसको निकालना। बाकी आप चाहो तो यहाँ पर से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपके लिए 3 सेकंड के लिए रख देता हूँ, 1 2 3। चलो यहाँ पर अब आपका टाइम खत्म हो गया, इसके साथ आई होप आपने ले लिया होगा ये हीरोन्स के फॉर्मूला से एरिया निकाल करके, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं इससे एरिया। तो यहाँ पर हमारे पास बी यानी कि बेस है, बेस अपने को कितना बोला था क्वेश्चन में, 20 सेंटीमीटर बोला था, सेंटीमीटर था या मीटर था इसे मैं देख लेता हूँ कन्फर्म, सेंटीमीटर ही दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो बी की जगह पर मैं 20 लिख लेता हूँ, डिवाइड बाई में 4 हो जाएगा, रूट के अंदर 4, ए का स्क्वायर यानी कि वही जो हमारे इक्वल वाले साइड है उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर
माइनस में बी का स्क्वायर, यानी कि वही हमारा जो बेस दिया हुआ है उसका स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर, ठीक है। और एरिया निकल रहा है तो स्क्वायर यूनिट में ही निकलेगा, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर के स्क्वायर में निकलेगा। इतना क्लियर है। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये तो कट हो जाएगा, 24 से कट होगा तो 5 आ जाएगा, क्योंकि 4 5 जा 20 होता है। रूट के अंदर हमारे पास 4 मल्टीप्लाई में 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, और माइनस में 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर, साइड में लिख लो। तो जिसको सॉल्व करेंगे तो 5 को रहने दो, रूट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं, 4 9 जा हो जाएगा 36 का 6, कैरी हो गया हमारे पास 3, 4 6 जा हो जाएगा हमारे पास कितना 24, 24 और 3 हो जाएगा 27 का 7, कैरी हो गया 2, 4 1 जा 4 और 2 6, माइनस में 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 5, और रूट के अंदर हमारे पास आ जाएगा 676 में से 400 माइनस करेंगे तो 276 आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो वहाँ पर हमारे पास रूट में कितना था, रूट के अंदर था हमारे पास 69, उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा था। मैंने यहाँ पर देखो जैसे आपको बताया मैंने निकाला है, बहुत लंबा चौड़ा सॉल्व होगा आपका, दो दो बार आपको 0 0 का पेयर बनाना पड़ेगा, तीन बार 0 0 का पेयर बनाओगे तब जाकर के आपके बुक में जितना आंसर दिया है ना उसके बराबर पहुँच पाओगे, नहीं तो फिर बुक वाला आंसर नहीं मिल पाएगा आपको। यहाँ पर देखते हैं 276 को निकाल करके इसमें कितना टाइम लगता है। तो देखो कैसे निकाला जाता है रूट का वैल्यू, आप क्या करोगे इस तरीके से यहाँ पर लॉन्ग डिविजन मेथड यूज़ करोगे, 276 लिख लो, ठीक है। इसमें दो नंबर का पेयर बनता है, तो यहाँ पर मैंने दो नंबर का पेयर बना दिया, इसे तो काम बना नहीं, तो मैं क्या करूँगा कि एक डेसिमल लगा करके यहाँ पर 0 ही बढ़ा दूंगा, फिर पहले भी रहने दो। अभी हमने दो नंबर का पेयर बना लिया है ना, अब देखते हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद कितना आता है। तो कैसे सॉल्व किया जाता है, 27 है तो 27 किसी का स्क्वायर है या नहीं ये देखना है, तो 27 किसी का स्क्वायर नहीं है। जैसे कि हम लोग अगर देखें तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है जो कि इससे बड़ा है, तो हम लोग 5 का स्क्वायर लेंगे, 5 5 जो हम लोग ले लेंगे यहाँ पर 25, माइनस करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा और ये जो 6 है ये उतर जाएगा। अब आपको क्या करना है, अच्छा हाँ 6 नहीं उतरेगा, सॉरी एक सेकेंड ये गलती कर दिया मैंने, यहाँ पर हम लोग क्या करना रहता है कि दो दो नंबर का पेयर बना करके ही एक ही साथ उतरता है, यानी कि एक डिजिट आपने उतार दिया तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 6 के साथ दूसरा नंबर का तो कोई पेयर है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे एक 0 उतार लेंगे, सॉरी यहाँ पर हमारा ये गलत हो गया, एक्चुअल में मुझे ना राइट साइड से यहाँ पर पेयर, मैं लेफ्ट से पेयर नहीं बनाना था, मैंने एक रूल थोड़ा सा यहाँ पर मिस कर दिया, इसीलिए बोलते हैं मैथ में छोटे छोटे जो रूल्स होते हैं बहुत काम के रहते हैं, अगर वो रूल आप छोड़ दोगे तो मैथ्स आपको गलत हो जाएगा। हमें एक्चुअल में राइट साइड से पेयर बनाना था, वो मैंने क्या किया था ना अभी, दो डिजिट का जब मैंने सॉल्व किया था यहाँ पर, तो इसमें मैंने दो ही नंबर था तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर पेयर बना दिया था, मुझे ध्यान से वो रूल ही हट गया था कि राइट साइड से अपने को दो डिजिट बनाना है। फिर अभी मैंने जब यहाँ पर ये सॉल्व किया दोबारा तब मुझे समझ में आया कि राइट साइड से इसको बनाना था, ठीक है। तो राइट साइड से कैसे बनाना है मैं आपको समझाता हूँ दोबारा से सॉल्व करके, चिंता मत करो। देखो कैसे करोगे, यहाँ पर हमारे पास 276 है, ठीक है। अब आप क्या करो, राइट से दो नंबर का पेयर बना दो, ये डबल डिजिट का पेयर बन गया, ये बेचारा सिंगल रह गया, अब इसको अपने को सिंगल ही सॉल्व करना है। अब ये देखना है कि जो 2 है वो किसी का स्क्वायर है क्या, तो किसी का नहीं है, लेकिन 2 से कम जो होता है 1 वो 1 का स्क्वायर होता है, तो हम लोग वही लेंगे, 1 1 जा 1 ले लिया हमने, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 1 जा 1, 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 आ गया। अब इसके बाद के स्टेप क्या है कि यहाँ पर और यहाँ पर जो नंबर है इन दोनों को ऐड किया जाता है, तो 1 और 1 को मैं ऐड कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 2, 2 को थोड़ा सा साइड में लिखो क्योंकि यहाँ पर भी अपने को एक नंबर लिखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 7 और 6 दोनों का देखो पेयर बना हुआ है ना, यहाँ पर ऊपर मैंने लाइन बनाया यानी कि पेयर बना हुआ है, तो 7 और 6 एक साथ दोनों उतर जाएंगे, ओके। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लिखना है जिसको आपको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, अगर आप यहाँ 1 लिखोगे तो यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ 1 लिखेंगे तो ये 21 बन जाएगा, फिर 21 बन जाए 21 आ जाएगा जो कि इससे बहुत छोटा है, तो आपको इसके आसपास लेना है, यानी कि इससे ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और इससे बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो जैसे देखो अगर आप यहाँ पर 5 लेते हो और यहाँ भी 5 लेते हो तो 25 5 जो हो जाएगा 125 जो कि इससे और छोटा है, तो हम लोग एक बार और ट्राई कर लेते हैं 6 लेकर के, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ 6 लिखूंगा तो ये 26 बन जाएगा, फिर ऊपर में भी 6 लिखना रहेगा, तो 6 6 जाए 36 का 6, कैरी हो गया 3, 6 2 जाए 12 और 3 हो जाएगा 15, ओके। तो 156 आ गया। अब अगर 7 लूंगा तो ये इससे बड़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो मैं 6 ही ले लेता हूँ, तो 6 टाइम पे हम लोग लिए, यहाँ भी 6 लिख लेते हैं, तो 26 6 आ जाएगा हमारा 156, माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 20, ओके। अब देखो हमारे पास यहाँ पर, तो अब हमारे पास नंबर खत्म हो गया, तब क्या किया जाता है, डेसिमल लगा करके 2 0 बढ़ाया जाता है, कभी भी डेसिमल के बाद 2 0 ही बढ़ाना पड़ता है क्योंकि हम जानते हैं कि दो नंबर का ही पेयर बनेगा, ध्यान रखना 1 0 नहीं बढ़ाओगे, और डेसिमल के बाद अगर बढ़ा रहे हैं तो उससे नंबर में भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद कोई भी नंबर लिख लो आप लोग 0 0 करके, उससे आपका नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होता है। अब क्या करोगे कि ये दोनों 0 जो है इसको इकट्ठे उतारोगे, पहले तो इन दोनों को उतार लो, ऐड कर लो, 26 को और ये 6 को ऐड कर लो, तो आपका आ जाएगा 32, इसको थोड़ा साइड में लिखो, यहाँ पर जगह बचा लो, और ये दो 0 इसको उतार दो, ठीक है। तो अब दिमाग लगाओ कि यहाँ पर मैं कौन सा नंबर लिखूँ जिसको यहाँ भी लिखूंगा तो ये इसके बराबर या फिर इससे थोड़ा सा कम आ जाए, तो अगर मान लो यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो यहाँ भी 1 लिखूंगा, तो 321 बन जाए 321 होगा जो कि बहुत छोटा है, तो उसके लिए क्या करो ऐसे दिमाग लगाओ कि 3 है ना, तो इसको 300 मान लो, 300 के टेबल में हमारा 20 कितने टाइम पे आता है तो नहीं आता है, लेकिन 300 के टेबल में हमारा 6 टाइम पे 18 आता है, और फिर 7 टाइम पे हमारा कितना आ जाता है 21 आ जाता है, तो वो इससे बड़ा हो जाएगा, यानी कि अपन को क्या करना है 6 टाइम के आसपास इसको मिलेगा, हो सकता है 6 टाइम पे मिले या फिर 5 टाइम पे मिले, तो हम लोग 6 के टाइम पे हमारा
18 आता है ना, तो हम क्या करते हैं इसका 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ 6 लिखूंगा तो ये मेरा 326 बन जाएगा, मल्टीप्लाई 6 से हो जाएगा। तो 6 जाए 36 का 6 कैरी हो गया हमारे पास 3, 6 2 जाए 12 और 3 हो जाएगा हमारे पास कितना 12 और 3 15 का 5 कैरी हो गया 1, 6 3 जाए हमारे पास हो जाएगा 18 और 1 19, तो 1956 आ गया जो कि से थोड़ा सा छोटा है, तो वही ले लेते हैं 1956 ले लिया, माइनस कर दिए। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस करने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग क्या करेंगे अब डेसिमल वाला नंबर यूज़ किए हैं, तो यहाँ पर डेसिमल लगा करके हमने यहाँ पर कौन सा नंबर यूज़ किया, 6 यूज़ किया ना, तो यहाँ भी 6 और यहाँ पर भी 6 दोनों जगह पर लिख लेंगे। तो अब आपको यहाँ पर इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 16.6 आ गया ना, तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिखो कि 5 मल्टीप्लाई, जब हमने इसका वैल्यू निकाला तो 16.6 आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर है वो बुक के हिसाब से आ जाएगा 83.06 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपके बुक में एक्जैक्ट यही आंसर दिया हुआ है और यही आपका आंसर निकल करके आएगा इनका मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो आपको अगर ये वाला इजी लगा यहाँ पर सॉल्व करने में तो आप इस मेथड से सॉल्व करो, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं हीरोन्स फॉर्मूला में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ तो आप हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको जब 69 आएगा ना तो इसको निकालने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लो, आपको जो ईजी है आप वो यूज़ कर सकते हो, मैंने आपके लिए दोनों काम कर दिए हैं। चलिए जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अब हम लोग उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। एक सेकंड रुको, अभी मैंने यहाँ पर चेक किया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो मेरा जो आंसर है वो एग्जैक्ट 83 आ रहा है। कितना आ रहा है एग्जैक्ट 83। तो अगर आप 83 भी एग्जाम में लिखोगे ना तो गलत नहीं होगा। अगर आपको ये वाला आंसर चाहिए तब आपको हीरोन्स के फॉर्मूला से बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब मैंने 69 के यहाँ पर रूट का वैल्यू निकाला था तो 8.306 आया था। अब 8.306 जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका 83.06 आएगा, और 83.06 को हम लोग 83 ही पढ़ते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद बहुत कम वैल्यू है। अगर पॉइंट के बाद 50 या 50 से ज़्यादा रहता है ना तब उसको पढ़ा जाता है, नहीं तो फिर वहाँ पर उसको अगर बहुत कम है तो उसको नहीं पढ़ा जाता। खास करके 06 देखो कितना छोटा है ना, हमारे पास 100 लगभग रहता तब हम लोग इसको पढ़ते भी, तो ये बहुत छोटा है इसीलिए इसको डायरेक्ट 83 ही पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर भी आप एग्जाम में जब इस वाले मेथड से सॉल्व करोगे तो आप ये वाला आंसर आपका आएगा ही नहीं, जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट आपका 83 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। और आप ये भी लिखोगे तो गलत बिल्कुल नहीं होगा, आप चाहे तो अपने टीचर से पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अब यहाँ पर कंप्लीट होता है 9th नंबर, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा जा रहा है कि द बेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल मेजर 80 सेंटीमीटर, यानी कि एक आइसोस्केल ट्रायंगल फिर से दे दिया गया जिसके दो साइड इक्वल हैं और उसका जो बेस है वो 80 सेंटीमीटर का है, साथ ही साथ हमें बोल रहा है कि उसका जो एरिया है वो 360 मीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो बताइए कि जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा उस ट्रायंगल का। तो पेरीमीटर निकालना है इसका मतलब अपने को क्या पता होना चाहिए, उसके जो इक्वल जो साइड है वो पता होना चाहिए। अब इक्वल जो साइड है वो कैसे निकालेंगे, आइए मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने एक आइसोस्केल ट्रायंगल बना लिया है जिसके दो साइड आपस में इक्वल हैं, जो है ए बी और ए सी, ठीक है। इसका जो बेस दिया हुआ है वो है बी सी, जिसकी टोटल जो लेंथ है वो हमारे पास 80 सेंटीमीटर है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर अपने को इसके इक्वल साइड पता करनी है ना तो हम इसकी हाइट निकालेंगे। अगर हाइट निकल गया तो ये हमारा एक राइट एंगल का ट्रायंगल है, वहाँ से हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम लगा करके ये वाली साइड आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर अपन देखें ए बी और डी, ये जो हमारा छोटा ट्रायंगल बन रहा है इसमें ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा जिसमें पाइथागोरस का थ्योरम वर्क करता है, तो वो कैसे बाद में बात का काम है। फिलहाल हम क्या करने वाले, इसकी हाइट निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें एरिया पता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। हाइट यानी कि एडी ना, और बेस यानी कि ये वाली जो बी से लेकर के सी तक की दूरी है ये वाली। तो एरिया अपने को कितना दिया होता है क्वेश्चन में, कहा गया मेरे क्वेश्चन नंबर 10 मेजर एरिया इज 360 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं 360 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख लेता हूँ, इक्वल के साइड में 1/2 मल्टीप्लाई बेस और मल्टीप्लाई सॉरी बेस की जगह पर 80 लिख लेता हूँ डायरेक्ट यहीं पर, और मल्टीप्लाई हाइट की जगह पर एच रख देता हूँ, सभी को जरा ट्रांसफर कर देता हूँ ताकि एच की वैल्यू मिल जाए। तो 360 हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, 80 आ जाएगा नीचे में, इक्वल के साइड में रह जाएगा हाइट, 0 से 0 कट हो गया। उसके बाद हमारे पास 4 2 8 ओहो मैं क्या कर रहा हूँ एक सेकेंड, हाँ ठीक है 4 2 8 भी कर सकता हूँ, 4 2 8 हो गया, 4 9 36 हो जाएगा, 2 1 2 2 1 2 यानी 9 इक्वल टू हाइट निकल गया, यानी जो हमारी हाइट है वो 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट लिख दो इसको, एडी जो हमारा वो 9 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो मेरा ब्लरी हो रहा है, क्या लगता है मोबाइल भी साथ छोड़ रहा है, बोल रहा है मालिक इतना ज़्यादा वीडियो मत बनाइए बच्चों के लिए, ये तो मेरा हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो हाइट मेरे यहाँ से कितना निकल गया, हाइट को मैं यहाँ पर एडी भी लिख सकता हूँ ना, हाइट इक्वल टू एडी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में से क्लोज कर दो डब्बे में ताकि टीचर को अलग से दिखे। अब हाइट निकल गया, अब हम लोग ये जो ट्रायंगल है इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, देखो ए डी बी ये वाला जो ट्रायंगल है ये क्या है राइट एंगल का, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो यहाँ पर आप लिखो इन राइट एंगल ट्रायंगल या फिर राइट ट्रायंगल ए डी बी, डायरेक्ट इसको लिख दो राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी में क्या होगा, हम लोग क्या जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि ए बी का जब स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। यानी ये वाली जो साइड होती है इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग अगर, तो इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर आता है, यानी कि ए डी का स्क्वायर और प्लस में हमारा ये बी डी का स्क्वायर, यही हमारा रूल है, ओके। तो यहाँ से अब कैसे निकलेगा वो देखो, हमको ए बी की वैल्यू चाहिए, बस इतना साइड चाहिए, तो हम लोग स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये सभी रूट में आ जाएंगे। तो ए बी इक्वल टू रूट के अंदर
ए डी का स्क्वायर और प्लस में बी डी का स्क्वायर। इस तरीके से आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ से हमको ए बी कैसे मिलेगा वो देखो आप लोग, बहुत आसान है। ए डी अपने को पता है क्या, ए डी हम लोग अभी निकाला, 9 निकाल लिया, ठीक है। तो ए डी का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर और प्लस में बी डी का स्क्वायर है, तो बी डी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो टोटल देखो यहाँ से यहाँ तक हमारी 80 थी, तो यहाँ से यहाँ तक हमारी 80 की हाफ हो जाएगी, क्योंकि तो परपेंडिकुलर हाइट है ना, तो हाइट हमेशा हाफ में ही बनता है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, 80 का आधा कितना होता है, 40 होता है। आप लोग चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो कि जो बी डी हमने निकाला वो 80 को 2 से डिवाइड करके निकाला, जो कि निकल गया 40 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 40 का स्क्वायर इस तरीके से। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी इज इक्वल टू रूट के अंदर 9 9 81 प्लस में 4, ये कितना हो जाएगा, 4 जो होता है 16, तो हो जाएगा 1600, क्योंकि 4 जो 16 हो जाएगा और ये दो जीरो यहाँ पर उतर जाएंगे, 40 मल्टीप्लाई 40 होगा तो उसमें दो जीरो हो जाएगा, जो अभी एक दिख रहा है वो दो हो जाएंगे एक्चुअल में। तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर हमारे पास, दोनों को ऐड करो पहले, तो देखो ऐड का साइन है ना, तो आप अलग अलग बाहर नहीं निकाल सकते, जब मल्टीप्लाई की साइन है तभी आप अलग अलग बाहर निकाल सकते हो, तो ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारा 1681 आ जाएगा, और ये जो होता है ये स्क्वायर होता है 41 का, यानी अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो ये रूट के अंदर आपको 41 मल्टीप्लाई 41 बन के निकलेगा, और ये हमारा इक्वल टू हो जाएगा 41 सेंटीमीटर, यानी ए बी की वैल्यू 41 निकल गई। अब बोलोगे सर अपने को तो याद नहीं है 41 का स्क्वायर, तब कैसे सॉल्व करें इसको, तो बस वही वाला हमारा जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है इसका यूज़ करो। देखो इस तरीके से ये और आसान निकल जाएगा, ये हमारा इस तरीके से बन गया, दो दो का पेयर बना लो, तो ये हो जाएगा हमारा 16, तो 16 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 जाए यहाँ पर 16 कर लो, माइनस किया तो 0 हो गया। अब 81 को यहाँ पर उतार लो, उसके बाद इन दोनों को ऐड किया जाता है, तो 4 और 4 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लिखो जो यहाँ पर भी लिखें तो इसके बराबर या इससे छोटा आ जाए, तो बस यहाँ पर 1 लिखूंगा तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो 81 बन जाए, 81 आ गया। तो देखो कितना आ रहा है आंसर, 41 आ रहा है ना, यानी ये जो है 41 का स्क्वायर है। तो डायरेक्ट यहाँ से हमारी ए बी की वैल्यू जो है वो 41 निकल गई, और अगर ए बी हमारी 41 है तो हमारी ए सी भी कितनी होगी, 41 होगी, क्योंकि ए बी और ए सी दोनों आपस में इक्वल हैं, ये ऐसे इसके लिए ट्रायंगल ऐसे क्वेश्चन में अपने से कहा गया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पेरीमीटर निकाल देंगे, तो पेरीमीटर इक्वल टू, पेरीमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों साइड को ऐड करना पड़ेगा। तो ए बी हमारा 41 हमने निकाल लिया, बी सी अपने को 80 दिया ही हुआ है, और हमने ए सी भी 41 निकाल लिया है ना, यानी कि एक निकल गया तो दूसरा भी निकल गया, तो 40 और 40 80 हो जाएगा, और 80 हमारा 160 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, यानी कि 162 सेंटीमीटर जो है वो मेरा पेरीमीटर हो गया। ये सभी सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर ऐड हो रहा है ना, ध्यान रखना मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है कि यहाँ पर क्यूब बना दिए, ऐड होता है तो कुछ भी हमारा चेंज नहीं होता है। तो 162 सेंटीमीटर जो है वो इसका पेरीमीटर निकल गया। अब चलिए जो लास्ट क्वेश्चन इस वाले वीडियो का उसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखो जो लास्ट क्वेश्चन है वहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर, एक आइसोस्केल ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, और जो रेशियो है इक्वल साइड का उसके बेस के साथ वो 3:2 है, यानी इक्वल साइड वाला जो रेशियो है वो 3 है और बेस का जो रेशियो है वो 2 है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, यानी जो ट्रायंगल का एरिया वो निकालना है। तो सबसे पहले देखो अपने को दो ही रेशियो दिया हुआ है, जबकि ट्रायंगल में हमारे पास 3 रेशियो होने चाहिए थे, जैसे अपने पिछले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए। तो यहाँ पर हमारे पास देखो आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसके इक्वल साइड का रेशियो 3 है, इसका मतलब कि 2 रेशियो हमारे पास 3 दिए हुए हैं, भले छुपा करके दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर अपने को बोला था ना कि इक्वल साइड 13 सेंटीमीटर है, तो हम लोग को पता चल गया था कि एक 13 दूसरा 13 होगा, उस तरीके से अगर इक्वल रेशियो 3 है तो 2 रेशियो वहाँ पर हमारे पास 3 आएंगे, जैसे यहाँ पर हिंट में भी आपको दिया हुआ है, जो साइड का रेशियो होगा वो 3:3 होगा इक्वल वाला, और जो बेस है वो 2 हो जाएगा। इस तरीके से तीनों हमारे पास रेशियो आ गए। इसको x मान करके जल्दी से यहां पर हम लोग x की वैल्यू निकाल करके साइड निकाल लेते हैं, ये कॉपी में सॉल्व किया जाए। तो देखो यहां पर डायरेक्ट इस तरीके से लिख लो कि जो रेशियो है साइड का वो 3:3 और 2 है, तो जो साइड हो जाएंगे वो 3x 3x और 2x हो जाएंगे। पेरीमीटर हमें 32 दिया हुआ है, और पेरीमीटर हम लोग जानते हैं कि तीनों साइड को ऐड करने से मिलता है, यानी कि 3x + 3x + 2x करेंगे तो हमें 32 यहां पर पेरीमीटर नहीं मिलेगा। 3x 3x हमारा 6x और 2 हो जाएगा 8x इक्वल टू 32। अपने को x की वैल्यू चाहिए, 8 को ट्रांसफर कर दो, तो हो जाएगा 32 डिवाइड बाई में 8, 8 बन जाए 8, 8 4 जाए 32, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू निकल गई हमारी पास 4, ठीक है। और अगर x हमारा 4 सेंटीमीटर निकल गया, क्योंकि सेंटीमीटर में था 32, तो x माइनस हमारे पास यानी कि जो पहला वाला साइड है a, b और c, ये तीनों निकल जाएगा, इसको a मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 × 4 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। उसके बाद b मान लेता हूँ दूसरे वाले को, तो वो भी 3x है, तो 3 × 4 वो भी हमारा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, दो साइड हमारे इक्वल हो गए आइसोसेल ट्रायंगल के। फिर 2 × 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 2x है, वैसे 3 × 2 भी लिखो तो बोल, अरे मैं क्या उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, आराम से, यहाँ पर 2x है तो 2 × 4 कर दो x से जहाँ पर, तो 2 × 4 = 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तीनों साइड निकल गए। अब हम लोग यहाँ से s की वैल्यू निकाल लेते हैं, पेरीमीटर का आधा, तो पेरीमीटर दिया ही हुआ है 32, तो 32 को आधा कर दो तो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ओके, अब s माइनस a और b और c सबका वैल्यू यहीं पर निकाल लो, तो 16 माइनस में 12 इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर s माइनस a की वैल्यू,
एस माइनस बी में भी वही होगा 16 माइनस 12 यानी कि 4 सेंटीमीटर, और एस माइनस सी में भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा, 16 माइनस 8 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो गया। अब अपने को एरिया निकालना था, बस एरिया ही बोला था ना इस क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ यही बोला था, तो बस एरिया निकाल दो यहाँ पर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू वही रूट वाला फॉर्मूला लगा दो अपना हीरोंस का, सबसे पहले एस लिखाता है तो एस की जगह पर 16 लिखो, फिर मल्टीप्लाई में एस माइनस ए होता है यानी कि 4, एस माइनस बी यानी कि 4, और एस माइनस सी यानी कि 8। ठीक है, अब इसको बाहर निकालने का क्या तरीका हो सकता है आसानी से, तो देखो यहाँ 4 4 का पेयर बन ही रहा है, तो मैं 16 को क्या करता हूँ इस तरीके से लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई 8, क्योंकि पहले से मेरे पास एक 8 है, तो ये जगह 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8, और ये सब हमारे किस में थे, सेंटीमीटर में थे ना, तो एरिया सेंटीमीटर के स्क्वायर में निकलेगा। 4 4 का पेयर बन गया, 4 को बाहर निकालो, 8 8 का पेयर बन गया, 8 को बाहर निकालो, रूट के अंदर 2 दे दो, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 4 हो जाएगा 32, रूट में 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आपके बुक में जो दिया हुआ है ध्यान रखना 32 रूट में 3 ये दिया हुआ है गलत, आपका जो सही आंसर है वो इतना ही होगा, आप कुछ भी इसको सॉल्व करो कैसे भी आपका ये आंसर नहीं आएगा। अगर किसी का आ जाता है भैया तो मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब ये नहीं कि 2 को ही 3 बना दिया घुमा करके, वैसे मत करना ना, बाकी अगर कुछ डाउट भी हो तो मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो, बहुत मेहनत से मैंने वीडियो बनाया है, थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, ओके, बस ज़्यादा हम बोलते नहीं उसके बारे में, फिर भी कर लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।